जिके सरकार ढा दिया परमात्मा, घर के जितने भी सदस्य सब जुदा होते चले जा रहे मेरे पास। तोरी पाती काहे प्यारी तोरी पाती रे बसावा, काहे प्यारी तोरी पाती बसावा। क्या बताऊं, ममता का घर ढूंढते ढूंढते काफी दूर तक चला है लेकिन कोई पता नहीं चला। चल के आगे किसी से पूछता हूं, उसके बाद आगे जाता हूं। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारी बात सुनिए। इनाम क्या है तुम्हारा, कहां पर मकान, साफ दे भीज मुझको बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ पर मका, साफ दे बीज मुझको बता दीजिए। आंखों से तेरे खून है क्यों बह रहे,
आंखों से खून तेरे है क्यों बह रहे, कुछ छिपावो नहीं सच बता दीजिए, नाम क्या है तुम्हारा। देवी जी तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाली कहाँ की हो और तुम्हारी आंखों में खून आखिर बात क्या है। नाम सपना मेरा लेकिन आखिर कारण क्या था, किस कारण तुम्हारी भाभी माँ तुम्हारी आंखों की दुश्मन हो गई, आखिर बात क्या थी। मैं बताती हूँ, मैं आगरा शहर में पढ़ाई कर रही थी, जब मैं वहां से आई तो क्या देख रही मेरी बहन को, मेरी भाभी माँ बहुत मार रही थी बाबूजी। मैंने पूछी क्यों मार रही हो भाभी माँ, तो उल्टी सीधी बातें कर रही थी, कह रही थी कि एक लड़के से प्यार करती है। मैं पूछी कौन से वो लड़का है, कह रही थी ऐसे खतरनाक लड़के से प्यार करती है इसलिए मैं मार रही हो। मैंने अपनी बहन ममता को वहां से भगा दी, गुस्से में आके भाभी माँ मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। बहन मेरी ममता बहुत अच्छी है, लेकिन जिससे नाम लड़के से प्यार करती है उसी कारण ये मेरा हाल हुआ है। लेकिन एक मेरा एहसान कर दीजिए बाबूजी, बोलिए मुझे आकाश का घर बता दीजिए, उनका एक लेटर है मैं उनके बड़े भाई को दे दूं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि लेटर मेरे घर जरूर तुम दे दोगी। इतना एहसान कर दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगी। भाभी ये क्या कह रहे हैं आप। हाँ भाभी,
तुम जिस शेखर की बात कर रही हो वो कोई गैर नहीं, मैं हूं। और जो आप नाम ले रहे हैं आकाश, वो कोई गैर नहीं है बल्कि वो मेरा बड़ा भाई है। तूने मेरे प्यार की रक्षा की है भाभी, मैं तेरी मदद करूंगा और तुझे लेके अपने घर जरूर चलूंगा, अपने बड़े भैया से तुझे जरूर मिलाऊंगा। चल भाभी आ चलते हैं। जबरे मालिक, अभी थाने से मुन्ने की लाश उस मैडम से वापस आएगी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, कहां से मैं अपने बेटे का कफन दफन करूंगी? परमात्मा, भैया बाबू, माँ बहन, ये भागन अपना दामन फैला के आपसे भिक्षा मांगती है कफन के लिए, अपने बेटे के लिए। आप सब थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे तो हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार। भाभी क्या है? आप चिंता मत करिए, ये भैया बाबू लोग आपकी मदद जरूर करेंगे भाभी, जरूर करेंगे। हमारे बड़े भैया जेपी ऑटो आरोप पानी वाले, जेपी ऑटो पानी वाले जो कि आरो के बहुत ही सप्लायर बाबूजी बहुत ही अच्छा पानी देते हैं। 51 रुपए का पुरस्कार मुन्ने के कफन दफन के लिए बाबू से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। और साथ ही साथ आगे हमारे बड़े भैया जो कि शिव म्यूजिक वीडियो रिकॉर्डिंग वाले बाबूजी, ये मुन्ने के लिए 51 रुपए का कफन दफन के लिए देते हैं आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। और साथ ही साथ आ गया हमारे बड़े भैया राकेश पटेल जी, साथ ही साथ लल्लू मिस्त्री भैया, 51 रुपए का पुरस्कार मुन्ने के कफन दफन के लिए आशीर्वाद की कामना चाहते हैं बाबू से।
जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक हमारे शिवम बाबू सम्राट नौटंकी डबिंग वाले की जिंदगानी हमें सारे सलामत के रखे मालिक। मुन्ने की लाश पड़े आई है गमो की घड़ी, ममता की मरी याद आते कर तारी दो पूरी जा एक कफन की भिक्षा मांग रही हूँ आपसे बाबूजी, मांग रही हूँ आपसे बाबूजी एक कफन की भिक्षा, एक कफन की का घिरा बादल छूट गया काजल, गम का घिरा बादल छूट गया काजल, इसी अबला को के द्वारे जिसको तो समझा कौन इसे समझाए, मांग रही हूँ आपसे बाबूजी, मांग रही हूँ आपसे बाबूजी एक कफन की भिक्षा, एक कफन की भिक्षा। लौकुश। हाँ भाभी। भैया बाबू लोग मिलकर बहुत मदद किए हैं। हाँ। ले जाओ बाजार से ये पैसे ले लो और जाओ बाजार से मुन्ने के लिए कापर ले। भाभी ये क्या देख रहा हूँ भाभी, हाथ में ताली लेके और तू रोड पे भीख मांग रही है, आखिर बात क्या है भाभी? कहाँ गए भैया ये भाभी बताओ, कहाँ गए भैया ये भाभी बताओ, मुन्ना मेरा कहाँ गया है, मुन्ना मेरा मुन्ना मेरा कहाँ गया है, मुन्ना
जिसे नवाब छिपाओ, मुझसे नवाब छिपाओ, कहाँ गए भैया ये भाभी बताओ, कहाँ गए। भाभी आखिर ना मेरा मुन्ना दिखाई दे रहा है और ना बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं और तू रोड पे खड़ी होके भीख मांग रही। भाभी आखिर बात क्या है, अपने इस देवर से नहीं बताएगी? क्यों नहीं बताऊंगी, ओ देवर, ओ देवर, देवर। बोल भाभी बोल। ओ देवर मुन्ना माँ को छोड़। ये क्या कह रही भाभी, क्या कह रही हूँ तू? मुन्ना हमारा स्वर्ग गया, हमारा स्वर्ग गया है, कैसा हुआ चित चोर। ओ देवर मुन्ना माँ को छोड़। देवर अचानक घटना हो गई घर में, मैं मुन्ने को सिलाकर दूसरे वाले रसोई वाले घर में गई, खाना बना रही थी, खाना बना कर आई, जब देखी तो मुन्ने का खून हो गया। इतने में तुम्हारे भैया आए, देखे मैं रोती भी लगती गोद में लेकर मुन्ने को तड़प रही थी, और तुम्हारे भैया जब देखे इस हालात में मुझे, तो मुन्ने को मेरे गोद से छीन लिए और मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। तत्पश्चात न मालूम किसी हत्यारे ने मुन्ने का खून कर दिया, उसी के जुर्म में, और न मालूम किसी हत्यारे ने 112 नंबर में फोन कर दिया, थाने से पुलिस आई, और उसी कत्ल के जुर्म में तुम्हारे भैया को जेल। भाभी किसकी नजर लग गई अपने परिवार में, अपना पूरा घर उजड़ जा रहा है, लेकिन भाभी तू घबरा मत, ये तेरा देवर जिंदा है। मैं जाऊंगा थाने पे और बड़े भैया को छुड़ाकर जरूर घर लेके आऊंगा। ठीक है मुन्ना, ठीक है। ले लीजिए अपने मुन्ने की लाश को। लाइए साहब। देवर चल भाभी, चलिए मुन्ने का कफन दफन करने के बाद तब मैं जाऊंगा थाने पे। की माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई हे भाई हो, के हो कुछ लेके नहीं जाई, के हो कुछ लेके नहीं जाई हे भाई हो,
केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई ए भाई हो, के हो कुछ लेके नहीं जाई, के हो कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, के हो कुछ लेके नहीं जाई। चार कहारिया बास के डोलिया कापर लाला की चादरिया, चादरिया कापर लाला की चादरिया। चार कहारिया बास के डोलिया कापर लाला की चादरिया, चादरिया कापर लाला की चादरिया। सोना जैसे देह के अगिया, सोना जैसे देह के अगिया, सोना जैसे देह के अगिया देला राख बनाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके